हाय फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ सठी ओरछा के बारे में। जो मुझे कमेंट आया था कि आप अपने ओरछा का सठी ओरछा कैसे मनाते हो वो शेयर कीजिए, तो पहले मैं सॉरी बोलूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ तो सठी ओरछा में जो जो चीज़ लगता है ना वो कुछ भी मेरे पास नहीं है। तो मैं बस जैसे मनाती हूँ आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगी मैं कैसे किया है, बट यहाँ पर छोटा सा क्लिप मैं शेयर किया है जो हमारे घर में होता है और जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ ना वही मैं आप लोगों को बताऊँगी इतना जो मुझे पता है। और सठी ओरछा शुक्ल पक्ष षठ को ही पड़ता है, मीन्स 6 डे को ही पड़ता है, गणेश जी के बाद 2 दिन के बाद ही आता है। और यहाँ पे सिलपट्टा और पुआ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पापा मेरे माँ बना रहे और अभी बच्चा भी बनेंगे, सिलपट्टे में माँ बनेंगे और सिलपुआ में बच्चा बनेगा इस तरह से। और ये हर माँ अपने बच्चों के लिए ही ओसा करते हैं, मीन्स उपवास करते हैं, क्योंकि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए। और ये हर जगह होता है, हमारे ओडिशा में इसको सठी ओसा करते बोलते हैं और बाहर में सुना है इसको छठ ओसा, आई थिंक छठ ओसा बोलते हैं। और यहाँ पे 6 झाड़मूली भी लगता है, झाड़ लगता है जो 6 टाइप का है, जैसे हो गया धान, बरमूली, दुब, बरमूली, हाँ, बजरंग, ऐसा ऐसा करके 6 बांस 6 टाइप का, जिसमें बच्चे लोग को मारा जाता है उनके उनको स्ट्रांग बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, जैसे वो बजरंग के तरह स्ट्रांग हो पाए। और यहाँ पे ना अच्छा सा स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे वो स्टोरी बहुत पसंद है और मैं यहाँ पे जैसे बनाया है बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं मेरे बच्चे लिए भी बनाया है, मीन्स किया है। और 6 पकवान यहाँ पे बनता है, माँ को चढ़ाया जाता है और बच्चों को पास में बिठा के पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे स्टोरी ऐसा है कि भाभी और ननंद के बीच है और भाभी ननंद बाहर जाते हैं, मीन्स मिट्टी लाने, मूर्ति बनाने के लिए। तो ननंद वहाँ पे मर जाते हैं और भाभी घर वापस नहीं आ पाते हैं, वहाँ पे बैठे बैठे रोते रहते हैं। उनको सखी माँ परीक्षा लेने के लिए आते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं ननंद को जीवन दान दूंगी, बट आपको ना मुझे एक वादा करना पड़ेगा, जो मैं मांगूंगी आपको देना पड़ेगा। वो वादा करते हैं और ननंद को वो जीवित कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। वो जब प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चा पैदा करने वाले होते हैं, तब सठी माँ आके उनसे अपना बच्चा मांगते हैं कि मुझे ये बच्चा दे दो। तो वो अपने वादे के तौर से ये उनका पहला बच्चा उनको दे देते हैं और घर में सब नाराज होते हैं। ऐसे ऐसे करके 5 बच्चे सठी माँ ले लिए। तो सठा बच्चा जब हुआ, सारा लड़के हैं, और सठा बच्चा जब हुआ तो सठी माँ सॉरी सासू माँ ने उनको घर से बाहर निकाल दिए कि आप चले जाओ बाहर, क्योंकि घर में नहीं होता है ऐसा ऐसा कुछ ऐसा। अगर मुझे कुछ मुझसे कुछ गलत होता है ना, प्लीज़ माफ़ कर लेना, और ऐसा होता है। और छठे बच्चे के लिए वो एक धागा देते हैं सासू माँ कि ये धागा जहाँ पे ख़त्म होएगा वहाँ पे बच्चा पैदा करना, और जो बच्चा कुछ बड़ा होने के बाद ही आना, ऐसे ऐसे कुछ है। और बस वो जहाँ पे धागा ख़त्म हुआ वहाँ पे बच्चा पैदा किए और वहाँ से बैठे बैठे रोते रहे। सठी माँ फिर से आए सठे बच्चों को लेने के लिए, तो वो बहुत रोए कि मुझे इस टाइम घर से निकाला गया है और ये बच्चे को अगर ले जाओगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। वो उनको सारा सच्चाई बताए और बोले कि आपका सारा बच्चा है मेरे पास। वो 5 बच्चे उनको वापस किए, 5 साल का हो गए थे, मीन्स छोटे छोटे करके 5 साल का होके 5 बच्चे उनको वापस किए, और 6 बच्चों को लेके वो वापस आए घर को, मीन्स सासू माँ के पास आए और उनसे वादा किए कि वो छठ पूजा हमेशा करेंगे बच्चों के दीर्घायु के लिए, उनके हेल्थ के लिए और उज्ज्वल भविष्य के लिए। तो बस इतना सा ही स्टोरी था और अच्छे से आई थिंक मैं बता ही नहीं पाई। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये भोग मेरा है, लास्ट में आप लोग देख सकते हो जिसको मैंने किया था मेरे बच्चे के लिए, और छोटा सा पूजा मैं तुलसी के पास ही कर लिया।